जिसमें प्योरिटी कम होगी उसकी बुद्धि में ज्ञान टिकेगा नहीं, धारण करने की जो बात ही दूर। उसकी राजा ही नहीं चलती है ना होने के कारण। ऐसी बात नहीं है, बौद्धियों की राजा इसलिए नहीं चलती है कि वो राजकीय धर्म की आत्मा है। राजकीय धर्म वाले लेफ्टिस्ट धर्म वालों के मुकाबले कमजोर हैं, वो देवताएं हैं और वो दैत्य हैं। दैत्य जो है उनको भगवान का सहयोग मिले न मिले वो पावरफुल बन के रहते हैं, और देवताएं उनको भगवान का सहयोग मिलेगा तो पावरफुल रहेंगे, और भगवान का सहयोग नहीं मिलेगा तो दैत्यों के अधीन हो जाएंगे बड़े आराम। हाँ बाबा, अभी तक बाबा कैसे छुपा रुस्तम बाद में निकले, अभी तो बाबा को सब जानते बच्चे, बाबा इसी कैसे कैसे छुपा रुस्तम बाद में, छुपा रुस्तम बाद में खुलेगा। हाँ बच्चे तो बाबा को पहचानते हैं, 76 से ही तो पहचानते हैं, उससे पहले से पहचानते हैं। अभी तक भी बाबा कैसे सन 76 जो पहला ब्रह्मा हुआ, दादा लेखराज ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष हुआ, तो उनके 100 साल जब पूरे हुए तो उसके बाद से ही तो जानना शुरू किया, उससे पहले तो नहीं। बस ऐसे ही। और नंबर वन, बाबा कि जो बाप का ज्ञान है वो पूरा पूरा सच्चा, जैसे कि जैसे सिर्फ जगदम्बा बोलती है, सिर्फ जगदम्बा कहती है, ज्ञान सुनाती है, तो जो का जो सुनाती है, गंगा भी मिश्चरिटी करती है। बिल्कुल बाबा, जो बोले तो निहाल करने वाली गंगा मैली कैसे हो जाती है। जगदम्बा जब तक जगदम्बा के रूप में है, गुप्त नदी के रूप में भगवान के आश्रय में है, तब तक वो नदी है। कोई भी नदी हो जब तक आश्रय में है ऊंच से ऊंच पाठधारी के, तब तक वो पतित पावनी है, और जब आश्रय से बाहर हो जाती है तो नाला बन जाता है। जब बाप बाप के आश्रय से बाहर हो गए, हाँ जी, उड़ावर ले जाता है। हाँ तो वो बाप की विपरीत ही बात करेगी, बाप के ज्ञान की। और क्या, महाकाली का पाठ क्या बाप की विपरीत बात नहीं करेगा? फिर मिक्सचरी भी हो गई ना बाबा। और नहीं, वो जगदम्बा नहीं रही, वो महाकाली हो गई, जगदम्बा नहीं रही। जगदम्बा की पूजा और महाकाली की पूजा जो करने वाले हैं उनमें अंतर है। महाकाली की पूजा स्वीपर्स, चोर, डकैत, ऐसे ऐसे तमोप्रधान लोग करते हैं, और जगदम्बा की पूजा सब करते हैं। लेकिन महाकाली के भी बुद्धि ने बताया है, ऊपर मुकुट में शंकर को बताया है। हाँ, याद में याद रखती है। तो याद में फिर वो गलत कैसे बोलती है? याद गलत कैसे बोलती है? संसार को भरमाने के लिए वो माया के जो चंबे में आ जाता है वो माया की तरह कार्य करता है, इसलिए वो 5 प्रकृति के तत्व हैं जिसको प्रकृति कहा जाता है, चाहे उसे महाकाली कहो चाहे प्रकृति कहो, तो वो रूप ऐसा धारण करती है कि संसार की आत्माएं बरगलावे में आ जाती है। और नंबर और शक्ति अभी धारण करती है। हाँ रूप। हाँ बाबा, इसलिए तो शक्तियों की फिर बाद में डूबी जा होती है। झाड़ू बोला गया बाबा। डूबी जा होने का मतलब क्या है? एक की प्रत्यक्षता, एक बच्चा और बाकी सब झूठ है बाबा। शक्तियों का जो मायावी रूप है इसको झाड़ू बोला बाबा ने। हाँ जी, उसी को धरणी कंप बोला बाबा। धरणी कंप होगा जो महाकाली का पार्ट है उसको डूबी जा करेंगे, या निमित्त को लेकर डूबी जा करेंगे। निमित्त कौन? जो जगदम्बा जो निमित्त बनती है वही तो महाकाली। पार्ट को भी डूबी जा करेंगी क्या? वो आत्मा को भी डूबी जा। अरे गणेश को भी डूबी जा करते हैं, हनुमान को भी डूबी जा करते हैं, सब को डूबी जा करते हैं। जब सत्य प्रत्यक्ष होता है, गॉड इज वन, एक होता है, गॉड इज ट्रुथ, एक होता है, एक सत्य जब प्रत्यक्ष होता है तो सब की डूबी जा हो जाती है। क्यों नहीं होंगे? ताजमहल है का पहला नाम था तेजो महल है। हाँ जी ठीक है,
शिव का मंदिर था, हाँ? बात सच्ची है? बिल्कुल सही बात है, है? मुस्लिम लोग ने अदब करके नाम बदली कर दिए। जितने भी ज्यादा से ज्यादा मस्जिदें बनाई है पुरानी, वो मंदिरों को तोड़ करके बनाई है या उन्होंने खुद बनाई है अलग से? जो भी मुसलमान कन्वर्ट हुए हैं उनमें ज्यादा संख्या देवताओं की है, देव आत्माओं से कन्वर्ट होने वालों की है या ओरिजिनल की है? कन्वर्ट हुए ना, हाँ जी, हाँ जी, मंदिर को जीत करके मस्जिद बना दो, छिपा दिया उस रूप को। लेकिन अभी इतिहास तो अभी सत्य होता है ना, तो इसका शूटिंग तो यही होगा। इतिहास है ये तो अभी जानते हैं हम, हाँ? लेकिन ये सारा इतिहास आगे चल के तो खुलेगा राजस्थान, हाँ खुलेगा, लेकिन इसका शूटिंग तो कैसे शुरू होना चाहिए? होती है, हो रही है ना, धीरे धीरे प्रभाव पड़ता जाता है, धर्म का प्रभाव धीरे धीरे पड़ता जाता है, धीरे धीरे प्रभाव पड़ता है, तभी तो ये अंतर आता है कि जब पहचान होती है तो सरेंडर होने लगते हैं, सरेंडर बुद्धि बन जाते हैं, और जब उनका प्रभाव पड़ता है, संघ के रंग में आते हैं विधर्मियों के, तो फिर सरेंडर बुद्धि जो है वो भाग खड़े होते हैं। लेकिन मतलब ये तो एडवर्टाइज जैसे क्रिश्चियन लोग है एडवर्टाइज करते हैं, एडवर्टाइज के जरिए मैंने गलत एडवर्टाइज करके फिर ये होता है, हाँ? मतलब पड़ता है कि जो एडवर्टाइज किया जाता है उसकी कोई सच मानते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इतिहास की बात आती है उसको किस तरह से इतिहास का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया गया कि भारत में आर्य आर्य नहीं रहते थे, आर्य बाहर से आए, एडवर्टाइजमेंट किया गया ना। श्री देव है, देव या देवी है, उसके आगे हम श्री लगाते हैं ना, देव या श्री देवी, कोई भी देव या देवी हो, लेकिन अभी कभी उसके अंत में जैसे अभी पुरुष है तो जैसे उसके नाम के आगे श्री लगाते हैं, लेकिन कोई माता होगी तो उसको श्री की मति लगाते हैं, माना मति लगाते, श्री की मति, श्री की मति नहीं, मति का मतलब है श्रीमान और श्रीमती, मति माना बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, लेकिन श्री तो पुरुषों को बोला जाता है ना, श्री नहीं नहीं, जो भी श्रेष्ठ हो, श्री माना श्रेष्ठ, श्री माना श्रेष्ठ, और श्रीमती माना श्रेष्ठ की बुद्धि, श्रेष्ठ की बुद्धि ना, श्रेष्ठ बुद्धि, छोटी मम्मी की याद आई या बड़ी मम्मी की याद आ रही है? जो सिख धर्म से कनेक्टेड है वो छोटी मम्मी है या बड़ी मम्मी? और बड़ी मम्मी जो सिख धर्म से कनेक्टेड है तो सिख धर्म में महाकाली का गायन है या अकाली का गायन है? हाँ जी बाबा, जगदम्बा जब तक वाक्य आश्रित थी तब तक के पार्ट को पर्सनैलिटी को दीति कहेंगे? क्या कहेंगे? दीति कहेंगे तब तक के पार्ट को। जो जगदम्बा है वो सारे जगत की अम्बा के रूप में संसार में पूजनीय तब बनेगी जब फुल कंट्रोल में आ जाए। कागज में सरेंडर होना अलग बात होती है और बुद्धि से सरेंडर होना अलग बात होती है। बुद्धि से सरेंडर होने में पहला नंबर किसका होगा? ठीक, इसका मतलब अभी बुद्धि से कोई भी रुद्रमाला का मणका 100% सरेंडर नहीं हुआ है। बुद्धि विपरीत बुद्धि कुछ न कुछ चलती रहती है। पंजाब की धरनी कन्यादान में सबसे आगे नहीं बोला वो सरेंडर हुई होगी पहले रुद्रमाला में, लेकिन सबसे पहले तो माया सरेंडर होती है। वो कागज का जो भी सरेंडर हुआ उसकी बात बताइए। जैसे अभी अद्वैतवाणी में बताया 2-4 साल पहले कि ये पहला समर्पण नहीं समझना, अभी दोबारा भी समर्पण समारोह सबका करेंगे। वो एकदम मतलब प्राइवेट लाइने वीक हो गई है उसको, तो दूसरे से सुनना होगा जैसे काम की मशीन और ये तो उसकी है क्या होगी? और तो आप स्थूल इंद्रियों की बात कर रहे हैं।
शरीर तो शिथिल होता ही है, उनकी कंचन काया थोड़े ही बननी है, उनकी बुद्धि में याद का एग्जैक्ट रूप थोड़े ही बैठा हुआ है, याद का विकृत रूप ही तो उनके अंदर बुद्धि में बैठा है ना, तो इंद्रियां कैसे शुद्ध हो जाएंगी। जैसे दुनिया की मौत होती है ऐसे ही उनकी मौत होनी है। बुद्धि मन कलेश करके ऐसे नहीं समझना, अगर वाणी बोला ऐसे नहीं समझना कि संकल्पों से ही सजा खा लेंगे, साकार शरीर धारण करा के सजा दूंगा। जो आत्माएं आदि में होंगी, आदि में जो थी आत्माएं वही अंत में रहने वाली, आदि में जब यज्ञ का फाउंडेशन हुआ था बाबा, हमें बाप के साथ देने वाले सहयोगी जो आत्माएं थी वो अंत में रहने वाली है। फिर बाबा ने ये भी कहा है कि 70, 72 और 75 वर्ष के जो आज बूढ़ा शरीर धारण की हुई जो आत्मा है, जिन्होंने राम और कृष्ण के साथ 63 जन्म सबसे नजदीक पुरुषार्थ मना पाठ बजाया है, सबसे नजदीक ऐसा नहीं कहा, सबसे नजदीक नहीं लेकिन नजदीक पाठ बजाया, पाठ बजाया है, वो अंत में रहेंगे। जो इस समय 75 साल के हो गए हैं, यज्ञ के आज में नहीं थे, वो एडवांस में चल रहे हैं। उसका कारण ये है कि उन्होंने अनेक जन्म राम वाली आत्मा के साथ स्वभाव संस्कार संग का रंग लिया है, इसलिए वो मेंटलिटी उनको खींच लेती है एडवांस। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंचन काया बन जाएंगे। हाँ जी, शरीर को छोड़ना है कि नहीं उसको बताए ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंचन काया बन ही जाएंगे। हाँ जी, हाँ में जब ज्योतिर्विंद निराकार ने प्रवेश किया तो उससे पहले उनको कैसे मतलब कैसे हुआ, तो जैसे ब्रह्मा को हुआ साक्षात्कार होते, मैं जब आता हूँ तो इस ब्रह्मा को पता पड़ता है क्या कि मैं कब आया कब चला गया? पता भी नहीं पड़ता। वो तो बिंदु है, हल्का फुल्का, कब आता है कब चला जाता है किसी को पता ही नहीं पड़ता। सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा तो है नहीं, जो फोर्स पड़ेगा। आर्य और द्रविड़, आर्य और द्रविड़ किसे कहेंगे? उन्होंने जो हिस्ट्री बनाई है विदेशियों ने, उन्होंने ये साबित किया है आर्य जो है यूरोप से आए, आर्य माने सुधरेले, और भारत में जो थे वो दक्षिण भारत में ये सब अन सुधरेले लोग, जंगली लोग रहते थे। बाबा, दुनिया वालों ने जो गोरक्ष जो बनाया, गोरक्ष माना गौरक्ष चालू किया ना उन्होंने, गौरक्ष आंदोलन आंदोलन, तो उन्होंने वो लोग समझते गायों की रक्षा, बैलों की रक्षा नहीं देखते। हाँ, तो बाबा भी आके बोलते माता कन्या को उठाता हूँ। ठीक है, उन्होंने तो भक्ति मार्ग को फॉलो किया है, संगम युग को उन्होंने स्थूल रूप जानवर गौओं का पकड़ लिया, वास्तव में जानवर गौओं की तो बात ही नहीं है, ये तो कन्याएं माताएं हैं जिनके हाथ में कलयुग के अंत में आकर कोई सत्ता नहीं रहती। सबसे गरीब होती है कन्याएं, माताओं के हाथ में तो फिर भी प्रॉपर्टी कुछ न कुछ रहती है, दबा के रख लेंगी, कन्याओं के हाथ में तो कुछ भी नहीं होता। इसलिए बोला है कन्याएं माताएं हैं गौएं, उन गौओं की रक्षा करना ये ईश्वरीय गवर्नमेंट का काम है। आज की जो सोसाइटी है भारतवर्ष की, उसमें सुरक्षा बैलों को चाहिए या कन्या माताओं को चाहिए? स्वतंत्र होके कौन घूम सकते हैं संसार के सामने? पुरुष तो कहीं भी रहे, उनको तो कोई असुरक्षा की बात ही नहीं है। कन्या माताएं अगर कहीं गएंगी तो उनकी इम्प्योरिटी के ऊपर आ सकती है। और
बाबा, लेकिन जो कलयुग के अंत में जब तांत्रिक स्टेज की एकदम चोटी पर होती है उस समय बाबा ने कहा अंत में क्या बोला राज करेगा खालसा। हाँ? राज करेगा खालसा बोला ना बाबा, बोला है तो अंत में तो वही तो खालसा ही तो राज करेगी। बता तो दिया बेसिक नॉलेज में कन्या माताओं ने जितना राज्य नहीं किया है उससे कई गुना राज्य है। एडवांस की जो कन्याएं माताएं हैं वो लंबे समय तक करेंगी, बाप नहीं राज्य करेगा। तो बाबा तो शूटिंग आज है यहाँ पे, तो आज कन्या माताओं को तो कुछ है ही नहीं। वो अभी 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 ड्रामा पड़ा हुआ है ना, आगे धीरज धर मनुआ धीरज धर है टाइम हो गया। होगी भी नहीं होगी, बहुत लंबा टाइम हो गया, जी जाती होगी तो प्राण ही निकल जाएंगे। कभी मैसेज मिला दादी प्रसाद में बहुत सीरियस है, कभी मोबाइल पर मैसेज कि बाबा को बोलना कि हमको दादी की जरूरत है। बीके बाबा ने मैसेज दिया मोबाइल पर कि दादी प्रसाद में बहुत सीरियस है, बाबा को बोलना अभी हमको दादी की जरूरत है। हैदराबाद के हॉस्पिटल में मोहिनी उनको छोड़ करके आ गई मऊदम, नहीं होगी देखा कि अब कोई संत नहीं रहा तो चली आई, हम यहाँ से संभाल लें। बाबा की बात जाने के बाद सत्ता की लड़ाई हुई थी, यहाँ भी तो माता दादी जाएंगे तो सत्ता की लड़ाई होगी कि नहीं होगी। फटाफट जोनल इंचार्ज बन गए थे, दोनों बट गया एक सेकंड ब्रह्मा जी विष्णु
ब्रह्मा सुखदाम का, विष्णु सुखदाम का, राम जी रावण बनता है, राम जी रावण बनता है, बनता है तो मैंने शूटिंग के लिए राम और रावण की बताया इस तरह से कृष्ण और कंस की, तो रावण का भी डिक्लेयर हुआ जो अपने इस्लाम धर्म का बीज है, तो बीज उसको रावण, अरे उसका भी कोई बाप है कि नहीं? हाँ जी, तो राम धर्म का बीज है उसका भी कोई बाप है कि नहीं? उसको कोई बाप नहीं है, वो तो जो उसका बाप है वो रावण का भी रावण हुआ कि नहीं? रावण है, रावण दुनिया का मालिक हूँ तो पते दुनिया का मालिक नहीं हूँ क्या? सारी सृष्टि का एक ही है, सृष्टि में देवताएं भी है, सृष्टि में राक्षस भी है, राक्षसों का भी बाप है, देवताओं का भी बाप है। घर में रोकर आता मुरली सुनने के लिए नहीं आने देते, धमकी दे के मरने की जबरदस्ती आते हैं मुरली सुनने के लिए, यहाँ मर जाएंगे मुरली सुनने आएंगे, दूसरी बार में दूसरे सत्संग में जाने के सारा स्वामी ने बोले मानी जा रही हमारे साथ जा रही, हमें अम्मा के आगे हम तो वही मुरली सुनने आएंगे, मर जाएंगे एक बार कह दिए थे। अच्छा, वो नहीं मर जाता है, कहता है वो नहीं मर जाता है, नहीं तब तक मैं वही निकल जाऊंगी, जो धमकी क्या होता है, धमकी करते रहो, मीठी मीठी बातें करते रहो, अपना काम निकालते रहो, ये गंदा हो गया बाबा। हाँ, हम तो मार सकते हैं, मेरा रंग देते हैं जाते हैं, मैं तो ये भी भगवान है जानते हैं मकान के ना जाते कहीं के लिए जानते हैं भगवान है ये ना कहीं से जाते हैं कहाँ है भगवान मकान में जानते हैं कहीं ना जानते हैं कोई जोड़ा ना आए तो तुम्हारे लिए मोटिव हो जाए, तो बेटा वो मॉडल सब तो ऐसे ही है, ऐसे दोनों बाप बेटा सबसे के दिन कहाँ जाते हैं नाक कटा दी जाने हमारी नाक कटा होती है दिमाग से नाक आओ की और मारते हैं फिर तुम्हारे जब चोट का निशान हो पिटाई का चोट का निशान हो पुलिस जिला के रिपोर्ट कर लो, रोटी मिल रही है ना? रोटी तो मिल रही है ना,
किराए किराए पर ऐसी तो क्या बोलूंगा, बाबा ने भी मुझे भी बोला किराए पर काम चलाते रहो, मकान खरीद नहीं जकार नहीं बनाने की जकार नहीं, तो मिल रहा है तुम्हें, तुम्हें इससे क्या रहने को मकान चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए एक दो कपड़ा चाहिए, तो मिल रहा है और क्या चाहिए, वो साफ करने के लिए इन चीजें काफी है, रोटी कपड़ा और मकान बस, तो बाबा के हर बच्चे को मिल रहा है हर बच्चे अच्छा बोलना तुमने बस कम किया ही नहीं, बोलना बंद किया ही नहीं, तुम बोलना कम किया कि नहीं, तुम तो बोलना कम किया है, बोलना बंद करो जाता है, अगर घर में सब लोग विरोध करते हैं तो चुप रहना चाहिए, जा पाई क्यों, आपने नहीं भेजी होगी तो नहीं जा पाई, थोड़ी से कह रहे हैं नहीं पापा सब कर रहे इतना ही वो रह गई पापा से नहीं पूछ रहे, जी दोनों चली गई क्या चली गई, बाप से कहते हैं बच्चे तो कर आई थी सौ रुपये होने की कह रहे हैं, जब बड़ी भट्टी नहीं की है तो सौ रुपये पहले होगी या पहले भट्टी करेगी, दोनों कर आएंगी छोटी आएंगी, छोटी कर आएगी तो बड़ी थोड़ी सरेंडर हो जाएगी, पहले भट्टी करेगी, छोटी ही कह रही है जी, छोटी कह रही है तो अपना कपड़ा अपने आप काम करने में हो अपनी सेवा को लगा रहे आपको क्या डिजाइन करने पड़ेंगे और क्या नहीं करते लगे छोटे छोटे काम तो सभी कन्या काम कर लेती है, तो क्या नहीं दस साल की दो महीने का भी नहीं छोड़ सकते होते हैं, हमारी कन्या है वो जाने की तैयारी तो वहाँ पर डायरेक्शन नहीं मिला एक बार नहीं सकते माता रानी साथ में सब हो सकती है, संभालना मुश्किल पड़ता है, संभालना मुश्किल होता है, घर की दो बड़ी बड़ी कन्या नहीं गई थी सब भी उन्होंने मना कर दिया, किसने मना कर दिया, क्यों कोई बीमारी वाली होगी, नहीं तो नहीं बाबा का डायरेक्शन नहीं है, नहीं आपकी बात है, ये अभी जून की बात है बाबा, जून लिखने के लिए मना किया गया, नहीं बाबा हम तो तैयार थे सबके लिए, उन्होंने कहा नहीं है तो माता रहेगी नहीं है बाबा का डायरेक्टर नहीं है और नहीं है बाबा का बाबा चार चार पाँच पाँच बार तो फोन के इन लोगों के लिए मना कर रही थी, बारह बारह तेरह की माता बनाई कोई मना नहीं कर सकता था, अभी तो बाबा को बाहर घूमना पड़ रहा है, अब वो सत्ता उनके हाथ में है, तो बाबा से कनेक्शन करो घूमने जाए तो आप क्यों करती है, कौन बाबा जा रही है जैसे अभी हमने डायरेक्शन डायरेक्शन लेके उनको बताए कि ये डायरेक्ट हमें बाबा से मिला हुआ है तो भी वो नहीं मानती है, तो ये कहती है हम ही बात करेंगे हमें डायरेक्शन मिल जाएगा तब तो हम आपको स्वीकृति देंगे, नहीं वो कह देती है अगर हमने तीन दिन से फोन किया है और बाबा का डायरेक्शन आया ही नहीं, बाबा तक ये खबर पहुँचाओ
और यहाँ पर कौन सा पता है कि ये नाम की कन्या और ये बहन की कन्या है, उनको ग्रहण किया जाए। बाबा दोनों तीन दिन उनका रुकते हैं वहाँ पर, लेकिन वो बात ही नहीं आई, बाबा से बात ही नहीं हो पा रही है, बात ही नहीं हो पा रही है। तीन दिन रुके थे अभी ये लोग, ये माता नहीं थी, तीन दिन रुके फिर भी बैठ गए। नौ दिन में कहीं उनसे नहीं संभाला जाता है, तो छोड़ो कुर्सी दूसरे को बैठने दो। अभी चार पाँच कन्या गई थी, एक दो महीने के लिए रहने के लिए, निजी भी कन्या थी, दो महीने रहने के लिए। वो एक झंझट है, क्या होता है दो महीने के लिए छोड़े आएंगे, फिर कभी लेने ही नहीं जाते, किसी से जवाब भी नहीं देते, बिल्कुल बुलाने के आते भी नहीं। बाबा ऐसे ऐसे भी कैसे हुए बाबा, आगे वाले बच्चे आपके पक्के हैं, जो कह रहे हैं वो अटूट पहुँच जाओ बाबा की तरफ, जो कहते हैं वही करते हैं। आग भी तो बनना सीख रहे हैं, कोई ज्यादा आक्रम तक्रम करे तो आग बनना भी तो सीखना पड़े। आग रहा तो हमने कही थी तो बहनों को बुरी लगी, मैंने बहन जी बाबा के हो तो क्या पता नहीं अपनी इंजाइन से हमारी मोटे निकली थी, हो सकता है बाबा की मिली अपनी मन मोटे हो रही हो, बाबा तो ऐसा डायरेक्शन में बाबा से हमारी बात हुई तो बाबा ने तो बोले चार साल की कन्या अपने कपड़े धो के ले सकती है, आठ नौ साल की उनने मना कर दिया है, समझ आनी चाहिए बुद्धि तो। इसलिए वो बहन थी ना कन्या को वहाँ रखना है और कन्या को ज्ञान समझ में ही नहीं आए, एक तो उसे रखने से कोई फायदा नहीं, ऐसी कन्या हो जिसमें कोई बुद्धि विकसित हुई पड़ी हो, कोई बुद्धि विकाल हो जाए तो वो कन्या को रखना इसलिए बोलती है कि जब बच्चों की छुट्टी होती है तो एक एक महीना के लिए बाबा बच्चों को जो छोड़ेंगे तो थोड़ा बच्चा को बाबा के घर में जाने से सुधारता होगा, इसलिए कह रही कि पालू की लड़की गई थी बाबा के घर में जाकर सुधार लियो, उसके पूरी जगह के संस्कार खराब हो गए तो सबको वहाँ जाके खराब कर देंगी, ऐसे भी होता है। कन्याओं की कन्याओं में लगाव जो काम बीमारी बहुत चल रही है, जो मुरलियम बाबा बोलते रहते हैं एक दूसरे में चिपक के रह जाती है, बाबा वगैरह सब भूल जाता है। बाबा दो महीना के लिए आने के लिए जिद कर रही हूँ कि मैं तो नहीं ले जाऊंगी, किसी भी हालत में दो महीना के लिए सिर्फ जाऊंगी और फिर कभी नहीं कहनी चाहती। सारी मम्मी बैठी है और उनसे बात कर अभी मैंने फोन किया था, माँ को फोन किया था तो बोल रही थी बाबा से मैंने डायरेक्शन दिया, बाबा ने बोला अपनी माँ को बुला लो और माँ बोल दे मैं अपनी इच्छा से अपनी कन्या को बुलाया, तो मैंने ये नहीं मैं करेगी, बाबा खुद ही डायरेक्शन देंगे, बाबा खुद कहेंगे बाबा की इच्छा होगी जब बाबा को डायरेक्शन देना हो कि कन्या अपने घर में जाके रहे तो बाबा को धर्मशाला खोलने की जरूरत है, बाबा तो इसीलिए खोला हुआ है कि घर गृहस्थ में रहते हुए और जो माहौल खराब है दुनिया का वहाँ कन्याओं की सेफ्टी नहीं हो रही है, आश्रम में अच्छी सेफ्टी हो सकती है, इसलिए तुम्हारा खोले हुआ है। अभी मैं जुलाई में गई थी, मई में तो गई थी तो जब बोल रही थी कि चाहे मुझे एक महीने के लिए ले चलो, मैं देख आऊंगी एक दिन रहकर फिर तरह भी चली आऊंगी, मैंने बाबा का डायरेक्शन आ जाएगा जब मैं ले जाऊंगी। चलो एक दिन के लिए डायरेक्शन ले लेंगे आप, मैंने किया होगा मैं मर्जी कर रही अभी बोली मैं जाऊँगी जरूर एक दो दिन के लिए छुट्टी मिल जाएगी, एक दिन आना कर अलग कर दो, जाना अलग कर दो, एक दिन रहना अलग कर दो, लेके जाऊंगा। सूक्ष्म मतलब वास्तव में कुछ होता नहीं है, जैसे स्वप्न होता है वैसे ही साक्षात्कार भी होता है, स्वप्न होता है बंद आंखों के द्वारा और साक्षात्कार बंद आंखों से भी होता है खुली हुई आंखों से भी होता है, साक्षात्कार में वास्तव में आत्मा कहीं जाती आती नहीं है, लेकिन स्वप्न बस अनुभव करती है, ये देखा वो देखा वो देखा, लेकिन वो सात्विक स्टेज होती है याद की, इसलिए जो कुछ भी देखा जाता है वो सच्चाई होती है। स्वप्न भी बहुत से ऐसे होते हैं जो सात्विक स्टेज में स्वप्न देखे जाते हैं तो वो सच्चे निकल पड़ते हैं, रात के 12 बजे स्वप्न देखा जाएगा, 9 बजे 8 बजे देखा जाएगा और सवेरे को 4 बजे देखा जाएगा, कौन सा स्वप्न सच्चा निकलता है, सवेरे को देखा हुआ स्वप्न सच्चा निकल पड़ता है, तो ये भी सात्विक स्टेज है बुद्धि की,
बाकी ऐसा मुझे नहीं है कि सूक्ष्म पतन कोई ऊपर है जो जघन्य अपराध करने वाले मनुष्य होते हैं, बड़े बड़े पापी हत्या करने वाले बाबा जी संदेश का एक मिनट वो शरीर छोड़ देते हैं तो जो दूसरों की हत्या करते हैं या खुद की हत्या कर लेते हैं ऐसे महापापी बन जाते हैं, तो उनको थोड़े समय या लंबे समय तक शरीर नहीं मिलता है और सूक्ष्म शरीर से इसी दुनिया में मंडराते रहते हैं। तो ऐसे नहीं कि सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार कोई सूक्ष्म पतन है वहां रहते हैं, नहीं, इसी दुनिया में सूक्ष्म स्टेज में रहते हैं, सूक्ष्म शरीर पे रहते हैं। सूक्ष्म शरीर क्या चीज है? रात को सोते हैं और स्वप्न में हम इधर उधर भटकते हैं, वो सूक्ष्म शरीर है। एक एक हो रहा है बाबा, कई चित्रों में हमने देखा है कि आदि महादेव को, देव देव महादेव को महाकाली के पांव दिखाया। अर्जुन जी के बाबा शंकर जी लेटे हुए ना, और काली का पैर रखा है यहाँ, सिद्धि से निकली हुई है वो चित्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो पुराने चित्र है महाकाली के उनमें जो मस्तक है उसमें शंकर का चित्र दिखाया गया, मना? और जो पांव रखा हुआ है और जो जीव निकली हुई है शास्त्रों में उसका अर्थ क्या दिखाया है? बाप के जो रास्ता था ज्ञान गाँव उसमें काम रहे बीच में वो धूल में पांव पड़ गया या जानबूझ करके पांव पड़ गया? भूल में पांव पड़ गया। अच्छा पता चला ये तो जीव निकल आई। वास्तव में एक स्वरूप दिखाया हुआ है महाकाली का, तो महाकाली तो महाकाल की सहयोगी है या असहयोगी है? सहयोगी है। तो जो सहयोग करने वाली है अगर वो सहयोग का काम करे तो उसे करने देना चाहिए या विघ्न बनना चाहिए? करने देना चाहिए। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, क्यों? मुख्य कार्य किसका हुआ? गायन किसका है? विनाश के लिए गायन किसका है? शंकर द्वारा विनाश। शंकर का काम है विनाश करना। तो जो सहयोगिनी बनाई जाती है वो किस लिए बनाई जाती है? सहयोग देने के लिए, जीवन में सहयोग देने के लिए सहयोगी शक्ति बनाई जाती। तो जो कार्य शंकर के द्वारा संपन्न नहीं हो पाता वो कार्य महाकाली कर दिखाती। तो महाकाली जो कार्य करती है उस कार्य में विघ्न रूप नहीं बनते, मुकाबला नहीं करते। होने दो, हमारा कार्य सहज हो रहा है। और पाप भी परमात्मा पार्टी के ऊपर नहीं लगता है, दोष किसके ऊपर आएगा? एक तो होता है कराने वाला, चोरी करने आ जाती, और दूसरा होता है चोरी करने वाला, सजा किसकी मिल जाती है? करने वाले को सजा मिल जाती है। तो भगवान के ऊपर कोई दोष ना आ जाए इसलिए वो सिर्फ प्रेरणा देता है भाई की विनाश कराने की, लेकिन खुद करता नहीं, निमित्त नहीं बनता। इसलिए राजा आर्डर करता है सूली पे चढ़ाओ, और चढ़ाता कौन है? जल्लाद। तो सूली पे चढ़ाता है, तो काम किसका करा माना जाता है?
जल्लासुर खरा माना जाता है, राजा फिर भी राजा माना जाता है, तो घाटी में कौन आ गया? माता घाटी में आ जाती है, आज की माता है घाटी में, अब पुरुष पुरुष फायदे में रहते हैं, इसलिए माताओं को अब आकर के जो बाबा क्या करते हैं शक्तियाँ बनाते हैं। बाबा ये जो गाँव वाले रोकते हैं अगर हम ये देते रोड शांति भाई वो नाराज हो जाते हो, तो हमारे राम के नाम कुछ छोटा हो इसलिए नाम राम राम को हमारे राम राम आता लागे तो अगर उनको समझाए बताए यार राम राम के जाए तो तीनों ही शक्ति आ जाती है। ब्रह्मा कृष्ण की शक्ति भी आ जाती है, ओम विष्णु माँ महेश जिसे शंकर कहा जाता है, और शंकर के लिए रामायण ये गाया हुआ है शंकर भजन बिना नर भगत की पावे मोर। क्या शंकर और राम कोई अलग अलग नहीं है, उनको अलग अलग नहीं करना चाहिए, जो राम है सोई शंकर है, उसको शास्त्रों में शिव भी कह दिया है ना, शिव द्रोही ममदात कहावा सोनर सपन मोह न पावा, तो जो शिव नाम दे दिया है वो शंकर के लिए कहा, बिंदी के लिए द्रोही और बिंदी के लिए इतने ही ये तो कोई मतलब ही नहीं है, साकार शरीर जब धारण करता है तो द्रोही और स्नेही की बात, तो जो शिव कहा गया है वो शंकर के लिए कहा गया है, जहाँ शंकर कह दिया है शास्त्र वहां शिव के लिए कहा गया है, जहाँ कृष्ण भगवान कहा गया है वो भगवान के लिए कहा गया है, कृष्ण के लिए थोड़ी कहा गया, तो शास्त्रों में सब आगड़म बगड़म हो गया। इसलिए आग्रह करना पड़ता है ना, क्या बहुत आग्रह करना पड़ता है, हरी आना मरे नहीं आता होगा जल्दी, लास्ट में आता होगा हरियाणा में उत्तर पाता होगा, बात ही नहीं सुनते, रिक्वेस्ट भी है बाबा हरी आ ना, हरी आ ना, हरी आ ना, आ जा आ जा, काहे के लिए मुंह से उत्तर पा रहा है, आ जा ना स्थिति देखे जैसा माहौल देखे जैसा व्यक्ति देखे वैसा हमें आचरण करना पड़ेगा, ऐसे थोड़े उसको भूख है ही नहीं प्यास है ही नहीं और हम खिलाने के लिए पिलाने के लिए तैयार बने रहे तो कोई फायदा नहीं। साइंस बहुत प्रगति कर रही है, ये चित्र खींचे अभी राम ने राम क्या नाम लंका पे युद्ध करने के लिए जो पुल बना था वो अभी समुद्र में डूबा हुआ है, क्या वो पुल फिर से बनेगा क्योंकि लंका पर तो फिर जीत पानी है, लंका में जीत पानी वो बात कहाँ की है, याद करेंगे वर्तमान की बात है, वर्तमान में क्या वो लंका में जीत पानी है, फिर उसके चित्र लिए हैं उन्होंने, जो चित्र उन्होंने लिए हैं वो 2500 वर्ष पहले के चित्र लिए हैं, अभी वो मुगालते हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पुल यहाँ नीचे ऐसा क्यों दिखाया गया है, जब सच्चाई बोलेगी तो उनकी बुद्धि में भी ये बात खुल जाएगी, 2500 साल पहले जो पुल बनाया गया है 2500 साल के अंदर अंदर 5000 साल पहले का नहीं है पुल वो, या त्रेता युग में नहीं बनाया गया है, वो कब बनाया गया, जब द्वापर युग में भक्ति मार्ग शुरू हुआ तब फिर उन्होंने चित्रों में जो चित्रकारी की है पर्वतीय गुफाओं में जो एलिफेंटा एलोरा कनेरी की गुफाएं है ना,
उनमें पहले पहले चित्रकारों ने चित्र का चित्र दे दिए हैं, उन चित्रों के आधार पर जो शास्त्र बनाए गए उन शास्त्रों को सच्चा साबित करने के लिए उन्होंने कुछ दिखा दिए और लंका दिखा दी। बाकी ऐसा कोई लंका में रावण था नहीं, ऐसा कोई रावण होता तो दस का आदमी भी होता आज की दुनिया में। अभी की बात है, बाबा साधन भी नहीं समझे पुल बनेगा कैसे, इतने साधन भी इसे बना नहीं, बनी बनाई चीज उसको उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ऐसे हुआ था इसलिए हो। समुद्र में कोई स्थान ऐसा भी हो सकता है लंका और भारत के बीच में जहाँ ऊंचा ऊंचा समुद्र हो, पत्थर पड़े हुए हो, एक कल्पना बना ली। अरे कंपनी में कोई द्रौपदी कुंड ऐसा कोई हुआ थोड़े जिसमें यह किया गया हो और द्रौपदी और धर्मसिद्धों में पैदा हो गए हो, तो ज्ञान यज्ञ कुंड की बात है। ज्ञान यज्ञ कुंड में से द्रौपदी जन्म ले लिया, प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ। जैसे समुद्र के अंदर से ही फोटो लिए हैं, है वो पुल है समुद्र के अंदर भी, कोई नहीं बने वो पत्थर पड़े हुए हल्के वाले पत्थर वो पड़े हुए, बाकी है वो ऐसा कुछ है नहीं कि पुल बनाया गया है कोई पत्थरों के द्वारा। अभी देखो आगे चल के क्या क्या बातें निकलती हैं। अभी तो इस लाइट से वो क्या नाम है हमारे द्वारका का भी फोटो आया है, समुद्र में समा गई है सच्चाई का छुपा उत्तम बाद में खुलेगा और सारी सच्चाई भी क्लियर कर देगा संसार में। वो डायरा जोड़ की कथा बना दी कि डायरा जोर लाखों वर्ष पुराना है, लाखों वर्ष पुरानी हड्डियां मिल रही, लाखों वर्ष की कोई बात ही नहीं है, सच्ची ही लाखों वर्ष पुरानी थी। लाखों वर्ष की बुद्धि इसलिए चली गई तो उस तरह का प्राणी उन्हें मिल नहीं रहा इतना लंबा चौड़ा, कोई और भी तो कारण हो सकता है कि वो जाति लोग हो गई हो। जैसे चौपाए जानवर होते हैं, शेरों का कुल है, कारण या कारण जंगल में सारे में आग लग गई, एक शेर बच गया और सारे शेर के बच्चे और शेरनियां सब जल गए। अब वो एक बचा हुआ जो है उसको शेरनी तो मिल नहीं गई, चौपाया कोई दूसरा जानवर मिल गया और उसके साथ अपना खेल खेल लिया उसने, तो संतान कैसी पैदा होगी, बदल जाएगी तो ऐसे ही वो जाति बदल गई। जैसे मगरमच्छ होते हैं ऐसा ही तो दिखाया गया है डायनासोर है? तो दूसरी जाति संसार में फैल गई और वो जाति का लोप हो गया। ये लाखों वर्ष उन्होंने इसलिए जोड़ा कि वो मिल नहीं रहा है वो प्राणी, इसलिए उन्होंने लाखों वर्ष कल्पना कर ली। जीव जंतु तो द्वापर से ही शुरू होते हैं, ढाई हजार वर्ष के अंदर ही अंदर। और नौ बताया गया जैसे एडवांस का एक भी निकल आया तो उसका पूरा परिवार आएगा, बावन होना है तो झूठ थोड़ी बोल सकते परिवार की आत्मा तो ऐसी है जो अभी बिल्कुल मौज मस्ती में है, बिल्कुल दुनियावी हिसाब किताब में है, वो सत्यु की फर्स्ट जनरेशन में कैसे आए। जो घर के अंदर एक बंदा एडवांस में चल रहा है कैसे सुनता है बीपी देखता है तो कुछ तो उनके कानों में पड़ता है कि नहीं पड़ता है। लोग परिवार तो ऐसे तो कुछ भी नहीं सुनते सुनते नहीं है लेकिन उनके कान में पड़ती तो है सच्चाई।
वो सच्चाई का वो जवाब देते हैं सभी? जवाब तो नहीं देते, क्यों सच्चाई का जवाब क्या देंगे? उनके पास जवाब है ही नहीं बाबा। तो अंदर 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 फाउंडेशन पड़ जाता है संदेश का, क्योंकि वहाँ तो खान पान सब 36 प्रकार का भोजन होता है और बढ़िया इसमें आराम से और गद्दी नसीन रहते हैं। तो वो बी के भाई बहन आने में बड़ा विचलित से हो रहे हैं, आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की जब खिचड़ी देखते हैं और वो 36 प्रकार का भोजन देखते हैं तो बड़ा मुश्किल सा हो रहा है उनको। जो आदि हो जाते हैं और आदत छूटना मुश्किल तो होता है, क्योंकि गद्दी छूटने में बड़ा टाइम लग रहा है। मानवतावादी चाहिए, क्योंकि साल हम भी उस भोग में रहे, उसी वातावरण में रहे, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है अभी कि ये हो क्या गया, क्योंकि वहां देखा तो बड़ा तांत्रिक योगदान कर रहा है। सारे ही पीके भाई बहन तांत्रिकों के चक्कर में बाबा उल्टी दुनिया हो जाती है। एक दूसरे की लाग लगा रहे, एक दूसरे की काट कर, एक दूसरे की गद्दी छीन रहे, एक दूसरे को गद्दी पे बिठा रहे। अभी तो कुछ नहीं है, अभी इतना ज्यादा नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो बाबा ने बोला है बड़े से बड़े पापात्मा देखना हो तो यहाँ देखो, और बड़े से बड़े पुण्यात्मा देखना हो तो यहाँ देखो। तो बेसिक में बोला ना, लेकिन उसकी इंतहा कहाँ होती है? एडवांस में तो बीज है, वो तो जड़ है। जड़ों में ज्यादा पावर होती है या बीजों में ज्यादा पावर होती है? वो सब धर्मों की जड़ है, वहां बैठी हुई है, और यहाँ सब धर्मों के बीज बैठे हुए हैं। ज्यादा पावर किसमें होगी? ज्यादा कलाकारी कौन दिखाएंगे? तो उन्होंने तो कुछ भी कलाकारी नहीं दिखाई अभी, अंदर एक बाहर दूसरा होने की। अभी एडवांस पार्टी में आगे चल के और देखना, बहुत कुछ देखना, बहुत कुछ देखना बाकी है अभी तो। क्या बहुत कुछ देखना बाकी? अभी तो वो जबरदस्त डूबी जा हुआ ही कहाँ है। अभी तो एडवांस पार्टी जो निकल रही है, उस एडवांस पार्टी में थोड़ा कोई कोई जो सफेद कपड़ों के रूप में बैठी हुई है, सरस्वती के रूप में बैठी हुई है, उनका डिसरिगार्ड कर देते हैं, माने डूबी जा कर देते हैं। करना नहीं चाहिए। अभी असली डूबी जा तो आगे चल के होने वाली है, सिर्फ सफेद कपड़े वाली नहीं। चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे जगदम्बा हो, चाहे कोई भी देवी हो, जब सच्चाई निकलेगी तो सबकी डूबी जा कर देंगे। तो अभी कितना टाइम और लगेगा? ड्रामा देखना अच्छा लगता है या खराब लगता है? नहीं बाबा, एक का अभिप्राय है, हैं? मैं कितनी देर और रुका रह सकता हूँ? जिला अभिप्राय एडवांस में आए मैं कितनी देर रुक सकता हूँ? ऐसा नहीं, पूरे ड्रामा के बाद बाबा हमने बहुत जोर लगाया, नहीं तरह आ गए ना। बैठो कुछ बैठना, बाप का काम है, बाप की कुछ हरदास बाप है, वो कोई बच्चे नहीं हो सकते, बच्चे तो बच्चे हो, बाप बाप हो रहा है, माँ बाप है हमारा, इस दोनों का बाप गया नहीं है, खड़ी रही बैठिए नहीं, कुर्सी ले लो बैठी, माता ने बोले दीदी आओ, आप बाबा के फिर देखो, ये बाप अपना हम उसके बच्चे नहीं, ये बाप नहीं है, कुर्सी मोड़े बैठ गई। मैंने कहा सुनो तो ज्ञान की बात, ये तो ज्ञान की बात है, ये तो ज्ञान ज्ञान की बात है, ये भक्ति की बात नहीं है। ज्ञान भक्ति दोनों अलग अलग चीज़ें, आप भक्ति भक्ति का होना है, ज्ञान से बाबा ज्ञान देना है तो हमें हमको ज्ञान देना है, ज्ञान में कोई प्रभाव नहीं होता, ज्ञान में कोई प्रभाव होता है, एक बाबा मैं के दोनों आपके पास बाबा जवाब के लिए बाबा से बाबा ने किया, ये लोग हमारे पास माता ना बाबू ने कहते थी भाई सब तेरे को कैसे सीखी थी, तो उन्होंने पता हम रोज हम हाथ पैर उतर आए हो थी ना, उन्होंने दीदी ना उनसे कह देती, अरे ठीक है तो आप सुनाओ, वो करके बैठी थी
और मुरली सुना जी अम्बा जी माई बाबा ने ये वाक्य बोला मुरली में इसका जवाब दो मछली बाबा जब पति पावन है सारी दुनिया को पति पावन बनाने की बाबा ने मुरली हम कही है तो भी बना के है पति पति पावन बनाए गए बाबा दास कहेगी नहीं जा सकता मथा एक बहुत था बात नहीं करी मतलब माता और बात करी हूँ मैं तो ना बोल रही थी मैं तो झगड़ों में झगड़ों में थे और तो बाबा कैसे डांगो चलाए गए हमने उनको मिली हम तो सुनी गए बाबा के चीटी और वो अपने माताओं से बात करी गई इतनी हटी होगी बाबा मैं हमने ये बात कह दी अगर है कि जिसको प्यास लगी है उसको पानी पिलाना है उसको प्यास नहीं है उसको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है बाबा अभी आपका हरियाणा में आगमन हुआ है तो हरियाणा का क्या होगा हरियाणा का क्या होगा सेवा क्या था एक सोचने की बात है दिल्ली सारे देश की राजधानी है जी और ऐसी राजधानी है जिसके ऊपर सब धर्मों ने राज्य किया है सभी धर्मों ने राज्य किया है और दिल्ली का वायुमंडल ऐसा वायुमंडल है कि दिल्ली का वायुमंडल जब पलटता है तो सारी दुनिया का पलटने लगता है क्या दिल्ली का वायुमंडल के ऊपर सारे भारत का वायुमंडल आधारित है और सारे भारत के ऊपर सारी दुनिया आधारित है तो दिल्ली जो है इतना पावरफुल स्थान इतना महत्वपूर्ण स्थान और तीन तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है लेकिन हरियाणा में सुनो तो तीन तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है एक तरफ से यूपी से वो भी थोड़ा सा हिस्सा इसका कारण क्या है हरियाणा वाला अटैक मारे इसका कारण हाँ 75 में जो हमला हुआ था एडवांस पार्टी का या जयप्रकाश नारायण पार्टी का या कृष्ण मुरारी देसाई पार्टी का वो तो हमला उन्होंने सीधा ही दिल्ली के ऊपर कर दिया इसलिए सातों सीटें जीत ली दिल्ली की लेकिन एक साल तक रहे और दूसरी साल ठप हो गए और बाबा ने अग्रतवानी में उसे क्लैरिफिकेशन दिया कि सीधा हमला करने से विजय नहीं होगी पहले चारों तरफ से घेराव डालो क्या जब चारों तरफ से घेराव पड़ जाएगा तो जीतना आसान हो जाएगा तो ये हरियाणा में चारों तरफ से अभी घेराव करना बाकी है क्या जब चारों तरफ से घेराव पड़ जाएगा तो दिल्ली में बोला विजय पाना बहुत आसान हो जाएगा रानियों के बजाय बाबा राजा ज्यादा हरियाणा बाबा दिन के घर में पाठशाला चल रही थी वो दिन के घर में पाठशाला चल रही थी ना वो दीदी आई थी वो अपने घर ले जा रहे उन्हें बुखार सुखार भी बहुत ले आ रहे ना तो सीधी देखी थे तो आने के बाद उन्होंने हमारे को जवाब दिया भाई जो पहले त्वरिया करते पहले अपने घर जाए तो वो सुनाएंगे पूरी करनी थी जवाब दे दिया उन्होंने भाई थे हम दोनों माँ भाई इसके बिना माता इनका घर है इनके घर में ये तो इन्हें समझे बाबा घर है बाबा के ज्ञान के लिए ध्यान दिया था हमने किसी विशेष आदमी के लिए नहीं दिया तो बस तो बुद्धि निकलेगी बस मोम सदगी दे दी बस दीदी से ये दीदी रुपाज की मुरली थर्ड क्लास चलाए और जो हम सुना तो दीदी तो बाबा ही उसका क्या करना चाहिए फिर ज्यादा सुनते नहीं पढ़ना चाहिए तो सही वाला चलेगा उनको उनको थोड़ा रिगार्ड देकर के युक्ति से निकाल लेना है उनका डिसरिगार्ड करना ठीक नहीं है क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है उनके लिए शास्त्र में गायन है कि गोपियों ने बहुत मेहनत करके दूध मथा और मक्खन के गोले निकाले छुपा करके मटकी में रखे है अब कृष्ण कन्हैया चुराए ले गया है ना तो ये सब मक्खन के गोले बैठे हुए हैं उन मक्खन के गोलों को आखिर तैयार किसने किया था उनको जन्म किसने दिया उन्होंने तो जन्म दिया है आखिर में उनका भी प्रभाव बन जाएगा इसलिए वो भी तो आखिर ब्रह्मा कुमारी तो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी नहीं है अपन को नहीं जन्म Thank you.
बाबा जो हमारे आश्रम में जो साधना होती है वो किसके माध्यम से होती है? किसके माध्यम से होती है? किसकी? योग साधना जो करते हैं होती है। हाँ, किसके माध्यम से? किसके माध्यम से होती है? और उनसे पूछा जाए कि वो किसको याद करते हैं माध्यम में, माध्यम के रूप में किसको बीच में ज्यादा उनकी याद आ जाती है, जिनकी की ज्यादा याद आती है या कोई न कोई देहधारी बीच में आ जाते हैं जिनकी ज्यादा याद आती है? ब्रह्म कुमारियों की या ब्रह्म कुमार की ज्यादा याद आती है, तो वही माध्यम बन गए। अभी तो उन्होंने पोस्टर छपाना शुरू कर दिए मेगा प्रोग्राम में, तीन बड़ी दीदी दादियां बैठ जाती हैं, ऊपर शिव का चित्र, सत्यमूर्ति कौन हो गया? त्रिमूर्ति से बता दिया हो गई ना, तो फिर उन्हीं को याद करेंगे और किसको याद करेंगे? तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा का भी चित्र नहीं रखना। अब ब्रह्मा जो ऊंची हस्ती है उसको तो छोड़ दिया, उसके भी जो नीचे है उसकी बनाई हुई रचना है, उन रचना को जो याद कर रहे हैं उनका क्या हाल होगा? ब्रह्मा को याद कर रहे हैं उनका हार्ट फेल हो रहा है, कैंसर हो रहा है, ट्यूमर हो रहा है दिमाग में। तो जैसे को याद करेंगे वैसी स्थिति बन जाएगी, अंत मतलब सुगति हो जाएगी। बाबा की मुरली को फॉलो करना चाहिए, मुरली को फॉलो करना माना मुखवंशावली बनना, मुख से निकली हुई बात को फॉलो करने वाला बनना। और मुरली को फॉलो नहीं किया और देहधारियों को फॉलो किया, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे ब्रह्मा कुमारियां हो, चाहे कोई ब्रह्मा कुमार हो, तो मुखवंशावली हुआ या मुखवंशावली हुआ? मना किया कि ब्रह्मा को याद नहीं करना है, उनका चित्र भी नहीं रखना है मुरलियों में, तो बता दिया। लेकिन वो अभी भी अगर रख रहे हैं तो उसे क्या करने से कहें? लगाव लग गया है, जिसे अटैचमेंट हो जाता है वो छूटता नहीं है, चाहे कितनी भी शिक्षा है, तो कोई शिक्षा काम नहीं करती। ये लगाव की बीमारी बहुत बुरी बीमारी है। गवर्नमेंट के द्वारा जो योग की जो हाइएस्ट स्टेज बन सकती है जैसे वो बनाते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि फंसती है या जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी बुद्धि पाम पेंट शो में फंसती है? बच्चे आप बच्चा बुद्धि है क्या? चमक धमक जो है वो कम बुद्धि वाली बच्चा बुद्धि आत्माएं होती है और उनकी बुद्धि उसमें फंसती है। जो सालिम बुद्धि होते हैं वो चमक दमक में नहीं जाते, वो असलियत को पकड़ लेते हैं। संपूर्ण समर्पण का मतलब क्या है? संपूर्ण समर्पण का मतलब है तन से मन से बुद्धि से समय सारा समर्पण ईश्वरीय सेवा में। सम्म क्या है? धम्म पद, धर्म का पद। धर्म की बातें बहुत अच्छी अच्छी बताई गई है, लेकिन भगवान क्या चीज है, आत्मा क्या चीज है, परमात्मा क्या चीज है, स्वर्ग क्या चीज है, नरक क्या चीज है, वो कुछ नहीं बताया। और धर्म की सारे शिक्षाएं बहुत अच्छी अच्छी है। इसलिए उस पुस्तक का नाम दिया गया है धर्म पद, धम्म पद बन गया। एक गीता पाठशाला की इंचार्ज माता कौन है? माता जी तो बिल्कुल ही नहीं बोल रही है।